जय हिंद टू यू ऑल गाइस, माय नेम इज़ विक्रम एंड आई वेलकम यू टू एसएससीबी। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, एसएससीबी को सर्च करना है और चैनल को ज्वाइन करना है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, साथ ही साथ मैं डेली करंट अफेयर वहाँ पर डालता हूँ, पोल क्वेश्चंस वहाँ पर डालता हूँ, जिसे आप देकर अपने करंट अफेयर को चेक कर सकते हो। सो गाइस, आज ही ज्वाइन करना है आपने एसएससीबी टेलीग्राम चैनल को। सो गाइस, अभी तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ लिया था, उससे पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ा था। तो गाइस, ऐसे ही जो बहुत सारे एक्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा लास्ट एक्ट होने वाला है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास किस किस प्रकार से हुआ था। तो गाइस, ये हमारा लेक्चर 9 है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, अब हम देख लेते हैं इन जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए कि इसका सबसे रिमार्केबल फीचर क्या हो सकता है, कि इसका सबसे रिमार्केबल फीचर ये हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें सारे के सारे क्षेत्रों को जोड़ दिया गया और भारत को एक फेडरेशन के रूप में बनाया गया। फेडरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज के डेट में आपको अगर इंडिया देखने को मिलता है, तो ये इंडिया जो बना है ये बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है। जैसे कि ये बहुत सारे स्टेट, यहाँ पे आप मान लीजिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज ने मिलकर क्या बनाया है, भारत को बनाया है। और भारत को बनाने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से फेडरेशन बन जाएगा। तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने यही काम किया, इसने भारत को संपूर्ण रूप से एक भारत बनाया। जैसे कि आप देखते हो प्रेजेंट डे में, आज आपको अफगानिस्तान, आपको पाकिस्तान, आपको बांग्लादेश, आपको बर्मा, ये सब पहले किसका पार्ट था, ये सब पहले भारत का ही पार्ट था। ये धीरे धीरे हर एक एक्ट में अलग होते गए, उसके बाद अंत में अलग हुआ हमसे पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे जो सबसे इसका उल्लेखनीय विशेषता इसकी ये रही कि यहाँ पर भारत का फेडरेशन में बदल दिया गया, यानी कि भारत को जोड़ दिया गया प्रांत जो भी राजा के अंडर में थे और वो प्रांत जो ब्रिटिश के अंडर में थे, अब उसको क्या कहलाने लगा, उसको भारत कहा जाने लगा। अब इस एक्ट के द्वारा जो डायार्की थी वो केंद्र में स्टार्ट हो गई, जबकि ये जो हमारे प्रांत थे यहाँ पर ख़त्म हो गई। जो हमारा केंद्र है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आपको डायार्की यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार आपको देखने को मिलती है। और यही चीज़ आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जब क्या हुआ था, प्रांतों में क्या शुरू हो गया था, द्वैत शासन यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि जो डायार्की थी ये 1919 में प्रोविनेंस यानी कि जो स्टेट है वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे गाइस क्या हो जाती है कि जो डायार्की है इसके जनक कौन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, लियो कार्टियर, लियो कार्टिस, लियोनीस कार्टिस, ये तीनों एक ही के नाम है। तो ये जो तीनों हैं यही क्या कहलाए जाते हैं, इसके किसके, यानी कि जो हमारा डायार्की है उसके एक तरीके से फादर कहे जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, अब हुआ क्या था, आपने देखा था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यहाँ पर आपको सिर्फ दो सूची देखने को मिलती थी, दो लिस्ट देखने को मिलती है, वो मिलती है आपको सेंटर लिस्ट यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार की, और दूसरी मिलती थी स्टेट लिस्ट। लेकिन अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक और लिस्ट को जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो कि जोड़ा गया, इसमें 36 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया। जो ये हमारा कंकरेंट लिस्ट है, इसमें जो भी प्रावधान होंगे इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी एक विशेष मुद्दे पर अगर कानून बनाया जाता है केंद्र और राज्य द्वारा, तो किसका कानून पावर में होगा, किसका जो कानून है वो चलेगा, तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। अगर एक ही मुद्दे पर दो कानून बना दिए जाते हैं केंद्र और राज्य द्वारा, तो केंद्र सरकार का यहाँ पे कानून माना जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेडरल लिस्ट का मतलब होता है गाइस यूनियन लिस्ट, जहाँ पे आपको 59 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्टेट लिस्ट जो कि आपको 54 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, जैसा कि आपको हाइजीन, जैसा कि आपको स्ट्रीट लाइट, जैसा कि आपको म्यूनसिपैलिटी, जैसा कि आपको ग्राम पंचायत, किस लिस्ट में देखने को मिलेगा, स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा। वहीं केंद्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेलवे, आर्मी यानी कि डिफेंस यानी कि फॉरेन रिलेशन, और जैसे कि आपका पोस्टल सर्विस, ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा वर्तमान में, एजुकेशन, इस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही काम करते हैं। एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कंकरेंट लिस्ट क्या करती है कि जो दोनों केंद्र और राज्य होते हैं दोनों इस पे मिलके काम कर सकते हैं। अब इस एक्ट के द्वारा यानी कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा क्या होता है कि जो सेंटर, जो स्टेट होता है, पहले तो आपने देखा कि जो सेंटर है हमारा यानी कि जो हमारा एक तरीके से केंद्र सरकार है, वहां पे आपको दो हाउस देखने को मिलेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव हाउस और दूसरा आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर। अब हुआ ये कि जो चीज केंद्र में थी वही चीज इन्होंने सेंटर में भी लागू कर दी, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे कि वर्तमान में आपको क्या देखने को मिलता है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि मान लीजिए अगर ये उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में आपको सिर्फ एक ही हाउस देखने को मिलता है यानी कि एक सदन, तो वो कौन सा है, वो है विधानसभा। विधानसभा के बिना कोई भी राज्य नहीं चल सकता, क्योंकि विधायक जो चुनते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं, वो विधानसभा में ही जाते हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बिहार, जैसे कि आपको यूपी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका देखने को मिलेंगे। इन राज्यों में आपको विधान परिषद भी देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पर दो हाउसेस हैं, यानी कि दो हाउस मिलकर काम करते हैं, और बाकी जो भी राज्य वहां पर सिर्फ आपको एक ही हाउस देखने को मिलेगा जो कि हम बोलते हैं विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। अब होता यह है कि इस एक्ट के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति थी उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है ये किस एक्ट से आया था, तो ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। भारत में एक प्रधान सचिव, प्रमुख सचिव कुछ भी बोल सकते हो आप, इसकी नियुक्ति की गई थी और इसकी एक परिषद को बनाया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे गाइस दूसरी है कि इस एक्ट के द्वारा ही भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। फेडरल का मतलब क्या होता है, संघ, एक पूरे संघ की, जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है, जो प्रांत है, उन सबका एक संघ है, उन सबकी एक कंट्री है, और वहां पर आपको एक फेडरल कोर्ट देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 दिल्ली में। यही जाकर आगे जाकर क्या बनता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो नींव थी यानी कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो आएगा आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के वासियों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। अगर बात पूरे देश की हो तो यहाँ पे आएगा आपका फेडरल कोर्ट जो कि स्थापित हुआ था 1937 को दिल्ली में। अब देख लीजिए, अब होता क्या है कि चुनाव कराए जाते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, ठीक है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ साथ में ही आपको चुनाव भी देखने को मिल जाता है। अब इस चुनाव को देखने के बाद होता यह है गाइस कि इस एक्ट में क्या मिलेगा आपको कि इलेक्शन हो रहे थे कहां पर, प्रांतों में, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, यानी कि जो हमारे राज्य थे वहां पे आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक पार्टी मिलेगी, कौन सी, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दूसरी मिलेगी मुस्लिम लीग यानी कि ML। कांग्रेस का प्रदर्शन जो प्रांतों में चुनाव हुए, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में जो राज्यों में चुनाव होते हैं वही आप इसे मान सकते हो, तो यहाँ पर जो 836 टोटल सीट्स थी प्रांतों में यानी कि स्टेट्स में, उसमें से कांग्रेस ने 715 जीत ली थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने, इसका जो प्रदर्शन था बहुत ही खराब रहा। इवन इन्होंने या अपने जो मुस्लिम बाहुल प्रदेश थे यानी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वहां पर भी इन्होंने सीट नहीं जीती और केवल 51 सीट ही जीत पाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन था बहुत ही बेहतरीन था, 715 जीती थी 836 में से। और जो कांग्रेस थी इसने
किन प्रांतों में, यानी कि जो पांच प्रांत है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने प्रांत है, तो पांच प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास प्रांत थे, यूनाइटेड प्रोविनेंस जो कि आज के डेट में आप यूपी बोलते हो, बिहार, सेंट्रल प्रोविनेंस यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पर तो इनके पास पूर्ण बहुमत था, इन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार बनाई और इन्होंने आधी से ज्यादा जीत जो सीट्स थी वो कहाँ पर जीती थी? बॉम्बे में। और असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस यानी कि जो आपका सिंध वाला एरिया है, जो ये सिंध वाला एरिया है और ये जो आपका असम है, यहां पर ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो यहां पे आपने इसको ध्यान देना है, पांच जो प्रांत थे यहां पर इनको बहुमत हासिल हुआ, साथ ही साथ बॉम्बे में इनको आधी से ज्यादा सीटें मिली और असम और NWFP यानी कि जो सिंध वाला एरिया है आज के डेट में, यानी कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है, यहां पर ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो ये इलेक्शंस के हमारे क्या थे, एक तरीके से ये समरी थी। तो यहां पे आपने इस चीज का और ध्यान देना है गाइस कि होता क्या है, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, 1935 को इसी एक्ट के द्वारा माना जाता है। और हिल्टन यंग कमीशन पहला ऐसा कमीशन था जिसने भारत के लिए क्या कहा था, एक सेंट्रल बैंक, एक रिजर्व बैंक होना चाहिए, इसकी सिफारिश करी थी। और इनकी सिफारिशों के बाद ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की लागत के साथ। और मैं अगर बात करूं इसके नेशनलाइजेशन की, ये अभी तक प्राइवेट है, और इसका नेशनलाइजेशन आपको मिलेगा 1 जनवरी 1949 को। ये दोनों डेट्स गाइस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि शक्तिकांत दास हमारे क्या है, वर्तमान में गवर्नर है। अब अगर मैं बात करूं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, तो इसको कार्बन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि इसके जो मोस्ट ऑफ द जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके प्रावधान हैं, उनको हमने भारतीय संविधान में लिया है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बहुत सारे प्रावधान है, जैसे कि आपका सिटीजनशिप, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भी प्रावधान है उसमें, DPSP हो गया, जैसे कि हमारा प्रियम्बल हो गया, तो मोस्ट ऑफ द जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जो उसमें प्रावधान थे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वहां से लेकर हमने अपने संविधान में लगाए। इसीलिए बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, इसको हमने कार्बन कॉपी कहा है, किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, जो ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में SSC के द्वारा। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से गाइस होंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी स्टेट कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली थी 1937 के इलेक्शन में, जो मैं आपसे इलेक्शन की बात कर रहा था इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पांच ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस ने बहुमत की थी और बॉम्बे में आधी से ज्यादा सीटें ली थी, साथ ही साथ असम और NWFE पर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर पांच प्रांत ऐसे थे, यानी कि मैंने पांच राज्यों का जिक्र करा, तो कांग्रेस ने कितने राज्यों में जो मेजोरिटी हासिल कर रही थी, तो वो होगा 5 स्टेट। तो ये SSC 2015 में पूछा जा रहा है CPSI में। अब मैं आपको बात करता हूँ, व्हाट वाज द टर्म ऑफ इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ 1937 इलेक्शन। अब ये चुनाव हुए थे 1937 के, इसमें जो मंत्रिमंडल आया था, जो मंत्री थे यहाँ पर, इन्होंने रिजाइन दे दिया था 28 महीने बाद, तो इनका जो टर्म था वो 28 महीने का ही रहा। अब ये रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपको पता होगा, ठीक है, कि 1939 में World War II स्टार्ट हो गया था। अब हुआ ये कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम आपकी आज़ादी के लिए हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो भारतीय सेना भारतीयों के जो भारतीय लीडर थे उनसे बिना पूछे लड़ाई में भेज दी गई। इसी का विरोध करने के लिए जो भारतीय लीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो आपने हमारी सेना भेजी है उस सेना के लिए आपको हमसे पूछना चाहिए था, और अगर
आपने भेजी भी है तो हमारे कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी इस युद्ध के बाद। भारत आपकी मदद तो करेगा लेकिन इस युद्ध के बाद आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दोगे। तो ऐसा उन्होंने नहीं माना और तभी जाकर इन्होंने क्या कर दिया, 28 महीने बाद रेजिग्नेशन दे दिया। अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कौन सा ऐसा एकमात्र एक्ट है, यानी कि ऐसा एक अधिनियम है जो बहुत ही पावरफुल रहा संविधान बनाने में। यानी कि संविधान में आपको उसके बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे, यानी कि संविधान का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको उस अधिनियम से बोरो करावा मिलेगा। तो ऐसा कौन सा संविधान है, मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कौन सा अधिनियम है सॉरी, तो वो है आपका 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, लेक्चर नंबर 9। आपको किस सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो गाइस आपने SCB चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर देता रहता हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।